जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि परिसीमन आयोग का प्रस्ताव आश्चर्य के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पर एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी हमेशा से ही संगत रही है और परिसीमन आयोग मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना निर्वाचन क्षेत्रों को मजबूत करना चाहती है, तभी इस तरीके से अगर बात की जाए तो राजौरी चिनाब घाटी में बहुसंख्यक समुदाय को अशक्त बनाना चाहते हैं। आज जम्मू में एक बार फिर पीएचई विभाग के डेली वेजर्स और नीड वेजर्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया और उपराज्यपाल और साथ ही साथ केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी गुहार लगाई गई कि जल्द ही इस मुद्दे पर कुछ विचार किया जाए। कर्मचारियों ने साफ कहा कि अगर 20 फरवरी तक कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो 21 तारीख को ये लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करेंगे। आज जम्मू में स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के द्वारा एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान जो है इन्होंने साफ किया कि इन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हर बार झूठे आश्वासन ही इन लोगों को मिले हैं। श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में आज जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप जो एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये सभी जो हैं क्लास 4 के एस्पिरेंट्स हैं और इनका कहना था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार जो है इन्हें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट दी जाएगी, परंतु एक बड़ा सवाल ये है कि अगर एग्जाम पास होने के बाद भी इस तरीके की प्रक्रिया चलती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के द्वारा आज जम्मू में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर एक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान परिसीमन आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का कहना था कि यह रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है कि बीजेपी के फायदे के लिए इसे तैयार किया गया है और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में भी एस्किम्स 16 के अंडर एस्पिरेंट्स जो भी पिछले कई सालों से अपने एग्जाम देकर बैठे हैं उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट को लागू कर दिया जाए। इनका पिछले बार भी यही कहना था और इस बार भी इन्होंने इसी बात को कहा कि अगर बात की जाए तो एग्जाम देने के बाद भी एक लंबा प्लान जो है वो बनाया जा रहा है और एक सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से खिलवाड़ क्यों कर रही है। बांदीपुरा के फुटब्रिज सुंबल पर काम बहाल करने की मांग को लेकर आज व्यापारी महासंघ सुंबल की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष नजीर अहमद ने कहा कि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि 9 साल पहले इसका काम शुरू किया गया था लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस काम को बंद कर दिया गया। आज उन्होंने प्रशासन से एक बार फिर काम शुरू करने की गुहार लगाई है। एकजुट जम्मू के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया और इस दौरान पार्टी के हेड अंकुर शर्मा का कहना था कि पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सरकार के द्वारा जो भी पोस्ट 21 अक्टूबर 2019 से पहले है निकाली गई थी उन्हें वापस ले लिया गया है और इस वजह से कई एस्पिरेंट्स का भविष्य अदर में लटक गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकजुट जम्मू का पूरा समर्थन इन एस्पिरेंट्स के साथ है। आज अखनूर में शुभ तिलक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा वहां पर मौजूद थे और इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि 2003 के बाद हमारे ब्लॉक अखनूर खोड सहित अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा न मात्र ही थी, परंतु जहां पर अगर अब बात की जाए तो अब कई बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो प्रयास अभी भी लगातार जारी हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि ऐसे ही प्रयासों की वजह से आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख का इलाज सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है उसकी सुविधा भी यहां पर जल्द शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ये एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा जो 7 दिन 24 घंटे अखनूर में खुला रहेगा। भाजपा के सीनियर नेता और पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अपनी वार्ड के हाजिर बाग के क्षेत्र में नालियों के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। आपको बता दें कि इस कार्य पर लगभग 12 लाख की लागत आएगी। साथ ही साथ उन्होंने अपील की लोगों से कि वे अपनी गली मोहल्ले में साफ सफाई का खासा ख्याल रखें। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जनरल हाउस की स्पेशल मीटिंग का आयोजन किया गया और इस दौरान हाउसिंग लोन की रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि और कई अन्य मुद्दों पर भी इस दौरान बातचीत की गई है और आश्वस्त किया गया कि जल्द ही इन्हें भी अमेंडमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बड़ा सवाल था कि लोगों को एक लंबी रजिस्ट्रेशन फीस जो है पे करनी पड़ती थी, उससे अब छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस जनरल हाउस मीटिंग में स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीपुरा के द्वारा आज जेके युवा स्वयंसेवकों के सहयोग से डीएच बांदीपुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया गया ताकि कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी ये अनुरोध किया कि वह भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें ताकि आने वाले दिनों में किसी को भी इस खून की कमी के कारण जो है अपनी जान ना गंवानी पड़े।